सन 1960 में बाल्ड ईगल की संख्या बहुत कम हो गई थी और यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे, तब इनकी संख्या 1000 के लगभग ही बची थी। इसका मुख्य कारण मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला DDT रसायन था। वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया था कि DDT रसायन के द्वारा पक्षियों के अंडों की बाहरी खोल बहुत पतली हो जाती है, जिससे कि यह बहुत जल्दी टूट जाते हैं और पक्षियों के बच्चे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इसी वजह से बाल्ड ईगल की संख्या में दिन ब दिन गिरावट आती जा रही थी। जब उत्तरी अमेरिका में इस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, तब बाल्ड ईगल की संख्या में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। DDT रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध के बाद 7 से 8 सालों में इनकी संख्या दोगुनी होती गई। वर्तमान समय में ये बाज पूरे उत्तरी अमेरिका में पाए